हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के टॉपिक के ऊपर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कुछ मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जैसे कि गेट हो गया, UGC नेट हो गया, या फिर आपका इसरो या अदर PSU के एग्जाम्स हैं, वहाँ से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है और उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए और आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अनअकैडमी का 7 डे फ्री ट्रायल हो रहा है फॉर गेट एंड ESC प्लस सब्सक्रिप्शन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसको लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे 7 डेज़ के लिए। उसमें आप चेक कर सकते हो कि किस तरह का कंटेंट है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, किस तरह से आपके डाउट सॉल्व होंगे, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, मेरा एक तो कोड यूज़ करना है, इट इज़ AM7219। और उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू स्कैन द QR कोड जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको जाकर के रजिस्टर करना है और चूज़ करना है गेट और ESC को अपना गोल, अपना कोड को एक्टिवेट करना है और उसके बाद आप लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। पूरा फ्री है 7 डेज़ के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको सारे प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स मिलेंगे, सो दैट आप एक बार देख सकते हो कि किस तरह से प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट हो रहा है। और जब मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो एक साल का जो प्लस सब्सक्रिप्शन आता है वो 36,000 का आता है लगभग, जिसकी कि मंथली कॉस्ट पड़ती है 2,975। ये आपको फ्री मिल रहा है 7 डेज़ के लिए, सो दैट यू कैन ट्राई। और अगर आप इसको मेरे कोड के थ्रू परचेज करते हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि एग्जैक्टली डिकम्पोजिशन में लॉसलेस या लॉसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो बहुत ही बेसिक में हम आइडिया देखेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप पूरे आइडिया को अच्छे से समझ पाओ। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अपना जो टॉपिक है उसकी डिस्कशन शुरू करने से पहले, बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। सो लॉसलेस डिकम्पोजिशन बेसिकली है क्या? सो सिंपल सा एक आइडिया होता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन का। सपोज आपके पास एक रिलेशन है R, ठीक है, आपके पास एक रिलेशन है R, आपने उस रिलेशन को अगर डिफरेंट रिलेशंस, लेट अस से R1, R2 और R3, इन तीन रिलेशंस के अंदर आपने इसको डिकम्पोज किया, जो कि नॉर्मलाइजेशन के केस में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें अपने रिलेशन को डिकम्पोज करना पड़ता था। तो हमने डिकम्पोज किया। अब लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या कहता है कि अगर मैं इन सब का नेचुरल ज्वाइन करूं, अगर मैं इन सब का नेचुरल ज्वाइन करूं R1, R2 और R3 का, तो अगर मुझे R वापस मिल जाता है, अगर मुझे R वापस मिल जाता है, दैट मीन्स इट इज़ लॉसलेस। मतलब कि जो आपका ओरिजिनल रिलेशन था, अब ओरिजिनल रिलेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऐसा नहीं कि एट्रीब्यूट आपके कम ज़्यादा हो जाएं, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड सेम नंबर ऑफ टपल्स। मतलब कि जितनी रोज थी, अगर 10 रो थी इसमें, तो डिकम्पोज के बाद जब आप इसको नेचुरल ज्वाइन करोगे तब भी 10 रो ही मिलनी चाहिए। तो ये बेसिक आइडिया होता है दोस्तों लॉसलेस डिकम्पोजिशन का। अब लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है, अगर इनमें से कोई सी भी एक जो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती, कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सपोज कम हो गए तो भी लॉसी है, हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस हुई, अगर नंबर ऑफ टपल्स कम हो गए, ज़्यादा हो गए तो भी लॉसी है। अब जनरली जो लॉसी होता है डिकम्पोजिशन, उसमें नंबर ऑफ टपल्स हमारे इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। सो एक वो पूरा एक डिस्कशन का टॉपिक अलग है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पूरा, जब थ्योरिटिकल मैंने पूरा इस टॉपिक को डिस्कस किया था। सो जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे सिर्फ क्वेश्चंस। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन में आपको इतना समझ में आ गया कि एक रिलेशन को जब हम ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और दोबारा उसका नेचुरल ज्वाइन करते हैं, तो हमें अपना ओरिजिनल रिलेशन R मिल जाना चाहिए। अब इसी डिस्कशन से, इसी कॉन्सेप्ट से आपको इसकी तीनों कंडीशन दोस्तों पता लग जाएंगी कैसे करते हैं। अब देखो नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन किस पे होता है, कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर, कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर होता है। अब उसी से एक कंडीशन लॉसलेस ज्वाइन की निकल के आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो वो क्या है कि अगर R1 इंटरसेक्शन R2, अभी मैं दो का ही लेके चल रहा हूँ कंडीशंस को समझाने के लिए, अगर R1 इंटरसेक्शन R2 जो भी आएगा, कोई एट्रीब्यूट आएगा, अगर वो की है, अगर वो एट्रीब्यूट की है इन आइदर R1 और R2,
in either R1 or R2, then this decomposition is lossless. मतलब आप R1 और R2 दो रिलेशन में से कोई भी जो कॉमन एट्रीब्यूट है अगर वो की बन जाता है किसी भी एक रिलेशन में R1 या R2 में, तो हम कहेंगे कि लॉसलेस है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, R1 या R2 दोनों भी हो सकता है कि दोनों में की हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक के अंदर वो की होना चाहिए कॉमन एट्रीब्यूट, अगर है तो हम कहेंगे कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन है, अदरवाइज लॉसी डिकम्पोजिशन है। ठीक है, सो मैं तीनों कंडीशंस एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। एक तो सबसे पहली बात, R1 यूनियन R2 शुड बी इक्वल्स टू R, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑल एट्रीब्यूट्स मस्ट बी प्रेजेंट, कोई भी एट्रीब्यूट कम नहीं होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे कहा था सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन है इसकी, R1 इंटरसेक्शन R2 शुड नॉट बी फाई और नल, मतलब कि कोई ना कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए। तो ये इसमें क्या लिखेंगे हम, एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट, अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो वो आपका लॉसलेस नहीं होगा, लॉसी होगा। थर्ड, R1 इंटरसेक्शन R2 कह लो या फिर R2 इंटरसेक्शन R1 कह लो, बात एक ही है, R1 इंटरसेक्शन R2 शुड बी अ की इन आइदर R1 और R2। ठीक है, की होनी चाहिए या तो R1 में हो या फिर R2 के अंदर हो। तो ये आपको पूरा अच्छे से अगर समझ में आ गया है, ये जो पूरा थ्योरेटिकल मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे लॉसलेस डिकम्पोजिशन का, तो अब हम सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चंस को करने के ऊपर। आई थिंक आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है लॉसलेस डिकम्पोजिशन का वो अब तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं करना, और यही सारे कॉन्सेप्ट जो हमने देखे हैं यहाँ पे, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम पूरा अपना ये जो वीडियो है इसको कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स हम देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है ABC, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है वो है A से B एंड A से C। अब इसको कहा गया कि इसको डिकम्पोज किया गया दो रिलेशन में, R1 और R2। ठीक है, सो R1 में क्या है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखे हैं, AB। अब देखो थोड़ा सा ना शुरू की वीडियोस में मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं, आगे हम थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो R1 में दो एट्रीब्यूट्स हैं AB, और आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, A से B, तो यानी इस वाले रिलेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या मिलेगी आपको, A से B। ठीक है, देन सेकंड रिलेशन क्या दिया है आपको, AC, तो इसके अंदर आपको क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगी, आपके पास ओरिजिनल क्या थी, A टू C, सो ये आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको ये कंडीशंस देखनी है। ठीक है, सो R1 यूनियन R2 इक्वल्स टू R, मतलब R1 में जो एट्रीब्यूट्स हैं और R2 के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन दोनों के एट्रीब्यूट्स मिला के मुझे सारे एट्रीब्यूट्स जो R के थे वो मिल जाने चाहिए। अब R में कितने थे, ABC, R1 में क्या AB और R2 में क्या AC, तो R1 यूनियन R2 क्या मिल गया, ABC, तो ये वाली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई पहली। सेकेंड की कोई भी एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, अब यहाँ पे देखो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या मिल रहा है आपको, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, A, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही कि नल नहीं है, कोई तो है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये की है R1 या R2 में, किसी में की है क्या ये, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये की है। अब देखो R1 की क्या आई, A आएगी ना की, A से B में ड्राइव कर पा रहा हूँ तो A की आएगी, R2 की भी की क्या आएगी, सो A इज़ की इन बोथ R1 एंड R2, एटलीस्ट वन में होनी चाहिए थी, बट ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि दोनों में ही है। सो सिंस अ कॉमन एट्रीब्यूट इज़ अ की इन बोथ R1 एंड R2, दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। सो इसका आंसर जो है वो क्या है, लॉसलेस। क्लियर, सो सेकेंड क्वेश्चन देखो, और आपको दोस्तों देखो कैसे लर्न करना है, मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा है, साथ साथ आप मेरे प्रैक्टिस करो, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग साथ साथ सॉल्व करो। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
क्वेश्चन नंबर टू में हमें दिया हुआ है चार एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी सी डी, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। डिकम्पोजिशन किस किस में है? एक है ए बी सी और एक है सी और डी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्या सारे एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं। तो ए बी सी डी चारों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड देखो कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं करता हूँ आर वन इंटरसेक्शन आर टू, तो मुझे क्या मिलता है? सी कॉमन है ना दोनों में, तो सी मिलता है, यानी ये कंडीशन फुलफिल है कि नल नहीं है, कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें सी मिल रहा है। अब देखो कि क्या सी की है इन आइदर आर वन और आर टू, सी की है क्या आर वन और आर टू में? तो एक बार देख लेते हैं, वैसे तो हमें दिख रहा है बट एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमें देखना है। देखो आर वन में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं? ए बी सी। तो अब यहाँ पे देखो कौन सी आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज इसके अंदर मिलेंगी, एक तो मिलेगी ए से बी और एक मिलेगी बी से सी। तो इसकी की क्या हो गई? ए से बी, बी से सी, यानी ए से मैं बी, ए बी सी तीनों ड्राइव कर सकता हूँ, तो इसकी की तो आ गई ए। यहाँ पे तो की नहीं है, तो यानी आर वन के अंदर तो सी इज़ नॉट की, आर वन में तो सी की नहीं है, ठीक है। अब आर टू देखो, आर टू में आपको क्या मिल रहा है? सी और डी। तो यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या मिलेगी? फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको हमेशा जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें से ही चेक करनी है। तो सी से डी मुझे यहाँ मिल जाएगी। अब सी से डी मिल रही है तो इसमें की क्या बन गई? सी, यानी सी इज की इन आर टू। तो मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि जो कॉमन एट्रीब्यूट था दैट शुड बी अ की इन एटलीस्ट वन ऑफ द रिलेशन, और यहाँ पे मुझे मिल गया, तो यानी ये भी क्या हो गया? लॉसलेस। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे, सारे केसेस आपको लगभग यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसी भी नहीं दी अगर और आपसे सीधा ये पूछ लिया कि गिवन डिकम्पोजिशन आर वन ए बी एंड आर टू सी डी इज़ लॉसलेस और नॉट। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कुछ नहीं पता, बट फिर भी क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? सो येस, दिस इज सॉल्वेबल, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आएगा? आंसर इज लॉसी। लॉसी क्यों है इसका आंसर? बिकॉज देर इज नो कॉमन एट्रीब्यूट। अगर कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं है तो थर्ड कंडीशन और सेकेंड कंडीशन दोनों ही इसकी नल हो गई, दोनों ही इसकी डिससेटिस्फाई हो गई, तो ये लॉसी होगा बिकॉज देर इज नो कॉमन एट्रीब्यूट। सो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं, कि वो लॉसलेस कब होता है, वो आपका टेस्ट हो जाता है यहाँ पे। अब देखो एक इसी में, अगर सपोज आपको यहाँ पे दिया होता आर ए बी सी डी, ठीक है, सपोज इन क्वेश्चन नंबर फोर द रिलेशन इज आर ए बी सी डी और डिकम्पोजिशन दिया हुआ है आर वन जिसमें ए बी है और आर टू जिसमें बी सी है। अब ये लॉसलेस है या नहीं है? अब कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं वो इसका आंसर हो सकता है देखें कि ठीक है बी इज़ कॉमन, एंड उसके बाद अगर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ इतना बढ़ा कि कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए तो इसको कह देंगे लॉसलेस है। बट मैं कहता हूँ कि कॉमन तक पहुँचने की भी ज़रूरत क्या है, इसमें तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या कहती है कि आर वन यूनियन आर टू शुड बी इक्वल्स टू आर, बट इस केस में तो वो इक्वल टू नहीं है। क्यों बच्चों? देखो आर वन यूनियन आर टू क्या आएगा, देखो एक बार, ए बी और आर टू से क्या आएगा? बी सी, बी पहले से ही है तो ए बी सी आएगा ना, तो इसमें से क्या मिसिंग है? डी एट्रीब्यूट इज़ मिसिंग। अब अगर डी एट्रीब्यूट मिसिंग है तो क्या हो गया? ये लॉसी। तो ये क्या हो गया? लॉसी। सो इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन के, कि होता है क्या है एग्जैक्टली, सारी कंडीशन क्या क्या हैं, उनको भी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो।